हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं और आज के इस यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 19.8 का जो केसी सिन्हा बुक का सॉल्यूशन हम क्वेश्चन नंबर आपको कराएंगे 8 और 9। और इस चैप्टर को बहुत बढ़िया और इजी तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये पार्ट थर्ड वीडियो है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है कि इंटरगेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने सबसे पहले आपको बताया है कि इस फलन में, दिए गए फलन में हम चेक करेंगे कि कौन सा टर्म्स को हम पुट करेंगे कि उसका डिफरेंशिएट इस फलन में दिया गया है। हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर अगर इस टर्म को अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर हम पुट करेंगे तो ऊपर वाले दिए गए फलन में उसका डिफरेंशिएट दिया गया है। तो हम मानते हैं, माना कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी मान लेंगे। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स बराबर डी टी वाई डी एक्स। अब ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन एक्स बराबर डी टी वाई डी एक्स। ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा बराबर डी टी। तो आ गया आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर डी टी आ गया। अब उसको बराबर पुट कर देंगे इन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या है डी टी है। इंटरगेशन ऑफ डी टी बाटा और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर माने थे हमने टी माने थे तो टी पुट कर देंगे। आप हम जानते हैं कि 1/x बराबर log मोड ऑफ x होता है, इसका इंटरगेशन निकाल देंगे यानी log मोड ऑफ t और कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। अब log मोड ऑफ t की वैल्यू यहाँ पर है sin x माइनस cos x और कॉन्स्टेंट c हो जाएगा, ये आपका हुआ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 का दो नंबर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इंटरगेशन ऑफ 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटा 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने अभी बताया कि दिए गए फलन में हम चेक करेंगे कि कौन सा टर्म्स को हम पुट करेंगे कि उस फलन में उसका डिफरेंशिएट दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 × 6 और 2 × 4 हो जाएगा। cos x का इंटरगेशन क्या होता है, माना साइन होता है और साइन का कॉस होता है। इसको उठाकर सजा देंगे तो ऊपर वाले दिए गए फंक्शन में उसका डिफरेंशिएट आ जाएगा। तो हम पुट करते हैं, माना कि सिक्स
cos x प्लस 4 sin x बराबर टी। अब ये हो जाएगा, अब x के सापेक्ष अवकलज करने पर यह हो जाएगा 6 माइनस साइन एक्स प्लस साइन का कॉस एक्स हो जाएगा बराबर डी टी बाय डी एक्स हो जाएगा 6। ये हो जाएगा माइनस 6 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये कॉस को ये 4 छूट रहा है, 4 डाल देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हो जाएगा, ये कॉस को इधर लाएंगे, 4 कॉस को 4 कॉस एक्स इसको इधर लिख देंगे माइनस 6 साइन एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 जा 4 हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो आ गया, चलते हैं इसको हम पुट करते हैं, यानी हो जाएगा हर चीज और इसको उठाकर यहाँ पर रखते हैं, 2 को इधर उठा कर इधर रखते हैं, आपको यहाँ पर हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स बराबर डी टी बटा 2 हो जाएगा। अब पुट करते हैं, अब यह हो जाएगा, ये इतना बराबर ये डी टी बाई 2 हो जाएगा। पुट करते हैं डी टी बटा 2 बटा इतना बराबर हमने टी माना था बराबर हो जाएगा इंटरग्रेशन ऑफ 1 बाई टी इंटू डी टी बाई 2। अब हो जाएगा 1 बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा इंटरग्रेशन ऑफ 1 बाई टी इंटू डी टी। अब हो जाएगा 1 बाई 2 इंटरग्रेशन करेंगे अब हो जाएगा लॉग मोड ऑफ टी कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। अब हो जाएगा 1 बाई 2 लॉग टी का वैल्यू 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स मोड ऑफ कॉन्स्टेंट सी आपका ये हो जाए, यह होगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका 9 का 1 नंबर, क्वेश्चन 9 आपका दिया गया है इंटरग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इस दिए गए इंटरग्रेशन में हम
चेक करेंगे कि कौन सा टर्म्स को अगर हम पुट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएट इस फलन में दिया गया है। तो हम देखते हैं कि अगर हम tan x को पुट करेंगे तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x बराबर sec स्क्वायर x कॉन्स्टेंसी होता है। तो हम इसको पुट करते हैं, हो जाएगा आपका माना कि tan x बराबर t और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यह हो जाएगा tan x का होता है sec स्क्वायर x बराबर dt by dx। अब यह हो जाएगा, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर dt। आ गया sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर dt है, पुट करते हैं। यह हो जाएगा dt बटा रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा रूट अंडर वन माइनस एस स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स होता है। तो हम इसको, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वन बटा, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स टी। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी की वैल्यू टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंसी, यह होगा आपका राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 का 2 नंबर। क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो हम वैसा ही इस फलन में हम देखेंगे कि कौन सा टर्म्स को पुट करते हैं कि उसका डिफरेंशिएट उस फलन में दिया गया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, हम जानते हैं कि sec स्क्वायर एक्स होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर इस टर्म्स को अगर हम पुट करेंगे तो tan x का इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर एक्स होता है। तो हम पुट करते हैं, माना कि वन माइनस tan x बराबर टी, और ये वन कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर x बराबर dt by dx। यह डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी sec स्क्वायर x into dx बराबर dt। यह मास में दे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी यह आज यह प्लस में जाएगा तो मास हो जाएगा, मास dt बराबर sec स्क्वायर x into dx। तो देख रहे हैं आ गया, यहाँ पर पुट करते हैं, ये वन बाई कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x बटा वन माइनस टेन x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x
बराबर इंटरवेशन ऑफ sec स्क्वायर x बराबर माइनस dt और मार्जिन x बराबर t t का स्क्वायर ऑफ माइनस जो है इंटरवेशन के बाहर रख देंगे माइनस ये हो जाएगा वन बटा टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब उसके बाद ये माइनस अब ये हो जाएगा इंटरग्रेशन ऑफ वन बाई टी स्क्वायर ये गुना में है हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा यानी टी का पावर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा इंटू डी टी। अब इसका इंटरग्रेशन का अंतर माइनस अब हो जाएगा टी का पावर माइनस टू का प्लस का हुआ वन हो जाएगा जितना पावर ऊपर रहता है उतना वो बढ़ता क्या नीचे उतरता है और हो जाएगा ये कॉन्स्टेंट सी। अब ये होगा माइनस माध्यम से वन घटा तो हो जाएगा आपका टी का पावर माइनस वन बट्टा ये हो जाएगा माइनस वन और कॉन्स्टेंट सी ये माइनस वन हो जाएगा प्लस तो हो जाएगा टी का पावर माइनस वन और कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। अब यह हो जाएगा टी की वैल्यू क्या है माइनस ये हो जाएगा वन माइनस टेन एक्स वन माइनस टेन एक्स के पावर माइनस वन और कॉन्स्टेंट सी यह आपका हुआ। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको वन बट्टा ये माइनस ये जो माइनस है तो ये माइनस हटेगा तो बट्टा हो जाएगा तो वन बट्टा वन माइनस टेन एक्स और कॉन्स्टेंट सी यह भी राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा।